जय हिंद दोस्तों। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जो गठन हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, और जिसमें तत्कालीन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे FDR, उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। और इसके पीछे जो मनशा थी, वह मनशा यह थी कि अगली बार विश्व में ऐसी त्रासदी नहीं हो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी, ऐसी मानव त्रासदियां देखने को नहीं मिले, इस प्रकार से जाने नहीं जाए, इस प्रकार से बच्चे यतीम नहीं हो, इस प्रकार से पूरे के पूरे दुनिया के कई बड़े बड़े शहर बॉम्बार्डमेंट से समाप्त नहीं हो जाए। इन सब चीज को दृष्टिगत रखते हुए FDR ने इसमें बड़ी अच्छी भूमिका अदा की थी। लेकिन FDR रहे नहीं, उनकी जीवन लीला ज्यादा चल नहीं पाई, और उसके बाद से मैं कहता हूं कि वर्ल्ड की जो शक्तियां थी, उस समय बायपोलर वर्ल्ड हो चुका था। एक तरफ था अमेरिका, अमेरिकन कैंप था, दूसरी तरफ था सोवियत संघ, उसका कैंप था, और मैं कहीं ना कहीं दोनों को इस पर रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। अमेरिका में जो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, मैं उनकी भूमिका को बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वे कोई शांति प्रिय नहीं थे, और वैसी ही भूमिका थी स्टालिन की। आप यदि देखिए, FDR यदि जीवित होते तो शायद है कि जापान में जो एटम बॉम्ब गिराए गए वे भी नहीं गिरे जाते। यदि आपसे इवन मैं कहता हूं, मैं लेनिन का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं कम्युनिस्टों का तो मैं घोर विरोधी हूं, लेकिन स्टालिन की जगह यदि लेनिन भी होते तो वैसी मानव त्रासदियां नहीं होती जैसा जिनका आज भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कितने लोगों को स्टालिन ने मरवाया। हिटलर से भी ज्यादा लोगों को संभवतः स्टालिन ने नरसंहार करवाया है, और स्टालिन तो खुद ही कहते थे कि त्रासदी जब होती है, जब लोगों का नाम, जब कुछ लोग मारे जाते हैं, जब बड़े व्यापक रूप से लोग मारे जाते हैं, तो फिर वो नंबर बचते हैं केवल। फिर तो यहां तक कि स्टालिन के बारे में तो यह भी आता है कि वहां रात को सूची निकलती थी कि इतने लोगों को मारा जाए, जैसे 2500 लोगों को खत्म किया जाए, तो स्टालिन काट के कई बार उसको बढ़ा देते थे कि नहीं, इसको संख्या को बढ़ाओ, उसको 9000 तक करो। तो आप ये देखिए कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, एक तरफ अमेरिका का भी रोल सही नहीं था, दूसरी तरफ USSR का भी रोल सही नहीं था। तत्कालीन जो, मैं तो बार बार कहता हूं कि FDR के बाद जो प्रेसिडेंट बने ट्रूमैन की भूमिका को मैं हमेशा मानता हूं कि बहुत अति हिंसक भूमिका थी, और यदि शायद FDR होते तो विश्व में कभी भी किसी भी देश पर एटम बॉम्ब का उपयोग नहीं होता जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। तो मैं कहता हूं कि FDR की मृत्यु के बाद से ही जो UN जिस लक्ष्य को लेकर बना था, वह लक्ष्य समाप्त होता गया। और आप ये देखिए कि इस UN के सारे स्ट्रक्चर्स जो है, जितने भी इसके ऑफशूट्स हैं, ये सड़ चुके हैं। जो जिन कामों के लिए इनको बनाया गया था, क्या ये काम कर पा रहे हैं? उत्तर है, नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि आज के समय में तो हम काफी बार बार बात कर रहे हैं WHO की, और WHO की क्यों बात हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कर रहे हैं कि ये एक तरह से इसने चीन का साथ दिया, जो COVID-19 हुआ उसको छुपाने में उसकी मदद की। और मुझे भी शक है कि कम से कम WHO का रोल जो है उसके ऊपर पूरी जांच होना चाहिए, उसके जनरल सेक्रेटरी के ऊपर भी जांच होना चाहिए। लेकिन आज ये बात क्यों उठ रही है? आज ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अमेरिका परेशान है, क्योंकि जो पश्चिमी शक्तियां हैं, जो व्हाइट मैन वर्ल्ड है, वह मर रहा है। तो आज आप WHO पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, आप आज अलग अलग संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, आप आज उनकी फंडिंग रोक रहे हो। लेकिन मैं बहुत पहले नहीं जाऊंगा, मैं बहुत सारे आज एग्जाम्पल्स दूंगा, मैं रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2010 में हेटी में, छोटा सा कंट्री है, निग्रो लोग ज्यादा हैं, गरीब लोग हैं, बहुत गरीब कंट्री है, हेटी में जो अर्थक्वेक आया था 2010 में, उसके बाद वहां महामारी फैली थी कॉलेरा की, और कॉलेरा की जो महामारी फैली थी उससे इन्फेक्ट हुए थे हेटी के 8 लाख लोग, और छोटे से पीरियड में ही 10,000 लोगों की कॉलेरा जैसी बीमारी से, जो कि बेसिक सैनिटेशन नहीं होने की वजह से होती है, 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस देश के 7% जनसंख्या कॉलेरा से संक्रमित हुई थी, और जब
इसके ऊपर रिसर्च शोध किया तो जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है इस बॉडी ने जब इस पर शोध किया तो 2016 में जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, आप चौंक जाएंगे, ज्यादातर लोग जानते भी नहीं उस विषय पे, क्योंकि हेटी जो है अफ्रीकन कंट्री है, क्योंकि हेटी जो है वह काला देश है, वह गरीब देश है, तो शायद इन लोगों की जान की इतनी वैल्यू नहीं है व्हाइट मैन प्रेस में, पश्चिमी देशों की निगाह में, इसलिए इतना हल्ला नहीं मचता है। हेटी में क्यों फैला था कॉलेरा? कॉलेरा के पीछे जो बाद में जो रिपोर्ट में आया 2016 के यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ट्रूप्स जो होते हैं, जो पीस कीपर्स होते हैं, उसमें जो उनकी जो नेपाल की जो कंपनी थी उनका जो बेस कैंप था उसमें उन्होंने क्या किया, वो नेपाल की हो या किसी की भी हो, बैनर तो यूएन का था, यूएन पीस कीपर्स का था, पीस कीपिंग ट्रूप्स का था, तो यूएन का जो ट्रूप थे उन्होंने ये किया कि जो उनका फीकल मैटर था बेस कैंप का उसको रिलीज किया उन्होंने नदी में, जो कि जस्ट जो वहां की हेटी की कैपिटल के जस्ट नॉर्थ ऑफ हेटियन कैपिटल थी, उसकी वजह से जो कॉलरा फैला, वो जो महामारी हुई उसने 8 लाख लोगों को संक्रमित कर दिया। बड़ी मुश्किल से जब पूरे तथ्य साइंटिफिक रिसर्च के बाद सामने रखे गए तो बमुश्किल स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार किया यूनाइटेड नेशंस ने कि हाँ हमारे जो पीस कीपर्स थे उनकी वजह से इस कंट्री के अंदर ये भयानक संक्रमण फैला, और उसके बाद ये बात हुई कि चूंकि इसके लिए यूएन रिस्पॉन्सिबल था तो $400 मिलियन को वो एकत्रित करके उस कंट्री में बेसिक सैनिटेशन के लिए उसका खर्चा करेगा, और 3 साल बाद भी कितना पैसा खर्च हुआ पता है आपको? लगभग $3 मिलियन। कितना करना था? $400 मिलियन, और इस यूएन ने कितना किया? $3 मिलियन। लेकिन कोई हंगामा हुआ? नहीं हंगामा हुआ। क्यों हंगामा नहीं हुआ? क्योंकि जो मरने वाले थे वो पश्चिमी लोग नहीं थे, जो मरने वाले थे वो गरीब लोग थे, वो काले लोग थे, उनकी जान का व्हाइट मैन्स प्रेस जिसको कहते हैं उसमें संभवतः इतना मोल नहीं था। फिर दूसरी चीज पर आऊं मैं, आप देखिए कि जो यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे सशक्त बॉडी है यूनाइटेड नेशंस जनरल यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनएससी की जो बॉडी है उसपे जो उन्होंने प्रावधान कर रखा है कि 5 देशों को वीटो पावर दे दिया है। अब 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। किसी भी मुद्दे पर यदि 5 में से 1 भी देश यदि वीटो ले ले तो फिर यूएन की कोई वक्त नहीं बचती, बाकी समूचे विश्व की कोई से नहीं बचता। आप ये बताइए कि क्या इन 5 देशों की जागीर है पूरी दुनिया या पूरे दुनिया के निर्णय लेना? नहीं है। आप ये देखिए कि यूएन में आज के समय चीन के ऊपर आप बात भी नहीं कर सकते। वुहान में जो उन्होंने जिस प्रकार से हैंडलिंग की, क्या बता रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, आप बात भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां जो यूएन के अंदर चीन बैठा है वो बार बार वीटो ले लेगा उसके ऊपर। रशिया ने क्राइमिया को अनेक्स कर लिया। आप एक स्वतंत्र देश के एक बड़े भूभाग को आप आक्रमण करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन यूएन की हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, क्योंकि वहां पर वीटो का गेम चल जाएगा। तो क्या ये 5 देश ही दुनिया है? मैं आगे एक बात करता हूं कि विश्व की दूसरे नंबर की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत, क्या भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के पास, जो इतने सारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है, इस जनसंख्या के पास कोई वीटो नहीं है? कोई गलत काम होता हो तो उस पर उसकी कोई वीटो की कोई आवाज नहीं है? आप ये बताइए कि पूरे अफ्रीका में, इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जहां 4 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर एग्जैक्टली मैं नंबर्स भूल रहा हूं, और संभवतः रॉबिन जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ अभी, तो रॉबिन जी अगर देख रहे हो तो आप बताने का कष्ट करें, क्योंकि मेरे स्मरण से निकल रहा है एग्जैक्ट जनसंख्या कितनी है, तो रॉबिन जी बता सकेंगे संभवतः, यदि हो तो रॉबिन जी प्लीज आप मुझे थोड़ा सा इस पर मैसेज करें। इतनी बड़ी एक कॉन्टिनेंट की जनसंख्या में एक देश भी ऐसा नहीं है जिसको आप कम से कम वीटो पावर दे सके। आप ये भी बोल सकते हैं, यदि कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी वीटो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस कैंप में आता है वो एंग्लो अमेरिकन कैंप का सदस्य है और वही नीति पर चलता है जिस पर अमेरिका चलता है या ब्रिटेन चलता है। तो एक साथ तो वो 3 देश है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है
और यूनाइटेड स्टेट्स थे, ये पूरा के पूरा एक पूरा अलाइड ही है, वे अलाई ही हैं, तो उनका तो एक मत जाता है। यहां तक आप बात करें, चलिए यूरोप की भी बात करें, क्या आज के समय में ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का पावर है? नहीं है। क्या फ्रांस पावर है? नहीं है। वास्तव में कोई पावर है आज के समय तो वो जर्मनी है। जर्मनी के पास क्या वीटो पावर है? जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है, परमानेंट मेंबर भी नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत भी परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का। एक भी अफ्रीकन देश परमानेंट मेंबर नहीं है इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यदि इस बॉडी के अंदर, मैं कहता हूं, ढांचागत परिवर्तन नहीं लाए गए, तो फिर जिस दिन भविष्य में, और ऐसा लग, देखिए ऐसा दिख तो साफ साफ रहा है कि कोल्ड वॉर की स्थिति तो बन रही है आज, और यदि ये कोल्ड वॉर सही में वॉर में बदलती है, तृतीय विश्व युद्ध आता है, तो उस स्थिति में क्या इस बॉडी में दिल गुड़ते हैं? यह बॉडी क्या इतनी सक्षम है कि उसको रोक सके? इस बॉडी का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि कभी फिर विश्व युद्ध के हालात नहीं बने, कभी फिर कंसंट्रेशन कैंप में जो ज्यूस के साथ जर्मनी में हुआ था वैसा कभी भी मानव त्रासदी नहीं हो। लेकिन इस बॉडी में आज के समय तो दम नहीं दिखता, और यदि इसमें मूलभूत परिवर्तन, इसके हर ऑफशूट में इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल, यदि आप ये बताइए ना कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी निर्णय हो वह वोटिंग के हिसाब से होना चाहिए। और पश्चिम के देश बार बार डेमोक्रेसी का जो राग अलापते हैं, जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है तो वीटो की बात करते हैं, केवल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, परमानेंट रिप्रेजेंटेशन के नाम पर पांच देशों को दुनिया की जागीर दे देते हैं। ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है? होना यह चाहिए कि यूएन के जितने मेंबर्स हो उनमें जो बहुमत से बात हो वह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पारित हो, और तभी जो एक तरफा सैंक्शंस लगते हैं, आप देखिए कि जो चीज यूएन में पास नहीं होती उस पर यूएस एक तरफा सैंक्शन लगा देता है। अब तो चीन ने भी धमकी देना शुरू कर दी है, इनडायरेक्ट धमकी दी है ऑस्ट्रेलिया को, कि अभी तो उनके एम्बेसडर ने केवल यही कहा है ना कि हम जो है, हमारे लोग यदि आप वुहान में जाकर बार बार जांच की मांग करते हैं तो हमारे लोग आपके सामान का बहिष्कार करेंगे। मतलब इनडायरेक्ट धमकी दी है कि हम सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो ये सैंक्शन वाली जो प्रणाली है, चाहे अमेरिका यूज करे या कोई और पावर यूज करे, ये सब यूनाइटेड नेशंस के वोटिंग पर होना चाहिए। लेकिन वोट होना चाहिए जैसे डेमोक्रेसी होती है, वरना इन पश्चिमी देशों को हम यही कहेंगे कि इनकी डेमोक्रेसी जो है ये इनके स्वार्थ तक सीमित है। उसके बाद डेमोक्रेसी की जब बात आती है भारत की, जब बात आती है दूसरे कंट्रीज की, वहां इनको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं होता, केवल डेमोक्रेसी की एक राग अलापा जाता है अपने हित सिद्धि के लिए। तो मैं बतौर इंडियन आप सबसे भी एक बात की मांग करता हूं कि इस बात में खूब आवाज उठाएं कि हमको यूनाइटेड नेशंस में और उसकी जितनी ऑफशूट से इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है, वरना इस बॉडी का भविष्य वही होगा क्राइसिस के समय जो इसकी जो प्रीडेसेसर बॉडी थी, जो इसकी पेरेंट बॉडी थी द लीग ऑफ नेशंस, वही इसके साथ भी होना है। और आज चाइना के विषय में भी आप पूछते हैं कि चाइना को क्या हम निकाल सकते हैं? आज चाइना ने, यदि यह सिद्ध हो गया कि चाइना ने सचमुच छुपाया था, चाइना ने गलत किया, तब भी यूएन जो चलता है वो यूएन चार्टर के हिसाब से चलता है। यूएन चार्टर में सिक्योरिटी काउंसिल में ला तो सकते हैं लेकिन निकालने का किसी भी कंट्री को प्रावधान नहीं है। अब चार्टर में यदि कुछ परिवर्तन भी करना हो तो चार्टर में एक भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट मेंबर्स हैं वो वीटो नहीं लेना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि चाइना वीटो नहीं लेगा? अगर चाइना के खिलाफ कोई प्रस्ताव आएगा तो चाइना डेफिनेटली वीटो लेगा। तो आपके पास तो इतनी भी पावर नहीं है कि आप अपने चार्टर को चेंज करें कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो यूएन की बिल्डिंग है ये सड़ चुकी है, गल चुकी है, भड़बड़ा के गिरेगी बुरी तरह से। तो तृतीय विश्व युद्ध को यदि रोकना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 50 साल बाद भी यदि रोकना है, मानव त्रासदियों को रोकना है, तो डेमोक्रेसी को आपको सिक्योरिटी काउंसिल में भी बनाना होगा। आपको जितनी ऑफशूट्स हैं उसकी, उसमें भी सही डेमोक्रेसी को लाना होगा। सब देशों को मताधिकार बराबर देना होगा, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में खासतौर से परमानेंट मेंबर का जो क्लॉ है विथ वीटो पावर, उसको सबसे पहले समाप्त करना होगा, वरना होगा वही जो
लीग ऑफ नेशंस में हुआ था, लीग ऑफ नेशन फेल हो गई थी, प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में उसको डिसॉल्व किया गया, विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में वो विफल हो गई थी, उसको डिसॉल्व किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसीलिए बनाया था उसको लीग ऑफ नेशन को कि वापस से ऐसी स्थिति नहीं निर्मित हो। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध आया क्योंकि वह बॉडी फेल थी लीग ऑफ नेशंस की। अब यदि इसको चेक नहीं किया गया, इसमें ढांचागत सुधार नहीं किए गए यूनाइटेड नेशंस में, तो इसका अंजाम भी वही होगा, दुनिया का अंजाम भी वही होगा जो कि लीग ऑफ नेशंस के समय हुआ था। हम दुनिया के हर दुनिया के पांच में से एक व्यक्ति भारतीय है, यदि हम आवाज उठाएंगे तो दुनिया में आवाज उठेगी। इसलिए इस चीज को भी शेयर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें, आप भी लिखें इस पे और फैक्ट्स लाए कि इनकी यूएन की क्या क्या कारस्तानी गलत रही हैं, उस पर और फैक्ट्स लेकर आए। अभी तो जो WHO के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर वास्तव में प्रश्न चिन्ह है, उनके ऊपर तो यह भी आक्षेप थे कि जब वो इथोपिया के जब हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने दो दो कॉलेरा के वहां पर जो महामारी फैली थी उसको उन्होंने छुपाया था, तो ऐसे व्यक्ति को चीन के समर्थन से ही बने थे वो, तो डेफिनेटली जिसके समर्थन से बने हैं उसका राग शायद अलग रहे हैं। लेकिन बात केवल कोरोना वायरस के संक्रमण तक नहीं है, बात बड़ी व्यापक है। यदि दुनिया में शांति चाहिए तो सबको बराबरी देना होगी। हम भारतीय पांच में से एक हैं पूरे विश्व में, हमको भी उतना ही सम्मान मिलना होगा। मैं कहता हूं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कम से कम एक देश को तो रखो, एक पूरा कॉन्टिनेंट है उसकी कोई आवाज नहीं है, भारत की कोई आवाज परमानेंट मेंबरशिप की तरह नहीं है। फॉरगेट वीटो तो बहुत बड़ी चीज है, इस वीटो के कॉन्सेप्ट को खत्म करो, टेम्परेरी मेंबर्स और परमानेंट मेंबर्स इसको खत्म करो, मूलभूत सुधार करो, तभी देश इस दुनिया में शांति हो सकती है। जय हिंद।